हेलो बच्चों, मैं नर्सिंग क्लासेस स्टडी बडी से सृष्टिधर दुबे। हम एंडोक्राइन सिस्टम समझ रहे हैं। आज एंडोक्राइन सिस्टम में फिजियोलॉजी की थर्ड क्लास है। ऊपर वाला सिलेबस न्यू सिलेबस है, नीचे वाला ओल्ड सिलेबस है। अभी तक हम पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड समझ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड से। तो पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। पहले तो ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड यानी कि पीछे की तरफ पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं। नंबर में ये चार हैं, दो राइट, दो लेफ्ट, या बोल सकते हैं दो अपर पोल में, दो लोअर पोल में रहती हैं। यहाँ से आपको एंटीरियरली इनकी लोकेशन दिख रही है, लेकिन ये एक्चुअली एंटीरियर साइड में नहीं होते हैं, ये पोस्टीरियर साइड में होते हैं। आने वाले नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे। इन ह्यूमन बींग्स नॉर्मली देर आर फोर पैराथायराइड ग्लैंड विच आर लोकेटेड इमीडिएटली बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड एट द अपर एंड लोअर पोल। तो ह्यूमन्स में चार पैराथायराइड ग्लैंड होती हैं जो कि थायराइड ग्लैंड के एकदम पीछे पोस्टीरियर साइड में सिचुएटेड होती हैं, दो अपर पोल में और दो लोअर पोल में, या हम बोल सकते हैं दो राइट साइड और दो लेफ्ट साइड में। द पैराथायराइड ग्लैंड आर वेरी स्मॉल ग्लैंड मेजरिंग अबाउट 6 mm लॉन्ग, 3 mm वाइड और 2 mm थिक विद डार्क ब्राउन कलर। ये जो पैराथायराइड ग्लैंड है बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है, और जैसे हमारे कपड़ों में बटन लगे रहते हैं ना, ठीक वैसे ही रहती हैं। ऐसे डायग्राम से हम सही से लोकेशन समझ पाएंगे। लेफ्ट साइड में देखेंगे, पहले तो लोकेशन कार्टिलेज दिख रहा है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया के ऊपर साइड अपर एंड में थायराइड ग्लैंड है। तो राइट साइड में देखिए, सबसे ऊपर थायराइड ग्लैंड का फ्रंट व्यू और नीचे लिखा है थायराइड ग्लैंड का बैक व्यू या पोस्टीरियर व्यू। तो पोस्टीरियर साइड में ये पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं? तो केवल एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है पैराथार्मोन। पैराथार्मोन सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। ये पैराथार्मोन का काम क्या है? पैराथार्मोन का काम होता है ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखना, यानी ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल है, जैसे ब्लड में सारे एलिमेंट्स जितने होते हैं उनका एक ऑप्टिमम लेवल बना रहता है। शुगर लेवल कितना है, कैल्शियम लेवल कितना है, क्रिएटिनिन लेवल कितना है, वो सारी चीज़ें हमारे सीरम में मौजूद होती हैं। तो नॉर्मल लेवल को बना के रखने का काम पैराथार्मोन का होता है। ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल या मेंटेन करके करने का काम जो है वो पैराथार्मोन का है। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल इज नेसेसरी बिकॉज कैल्शियम इज एन इम्पॉर्टेंट एनऑर्गेनिक आयन फॉर मैनी फिजियोलॉजिकल फंक्शन। बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं जिनमें कई फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हमको कैल्शियम की ज़रूरत भी होती है। तो ब्लड कैल्शियम लेवल का मेंटेन रहना, नॉर्मल बना रहना बहुत ज़रूरी है। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं कि ब्लड कैल्शियम लेवल मेंटेन कैसे होता है या रेगुलेशन उसका कैसे होता है, उसके बाद हम पैराथार्मोन की बात करेंगे। कैल्शियम इज टेकन थ्रू द डाइटरी सोर्सेस। इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द GI ट्रैक्ट इन टू द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अब कैल्शियम कहाँ से आता है? कैल्शियम हम हमारे डाइट से, हमारे फूड से लेते हैं। फूड से लेते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन होगा, डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वाइल पासिंग द किडनी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज फिल्टर्ड इन टू द ग्लोमेरुलस। फ्रॉम द फिल्ट्रेट 98-99% ऑफ कैल्शियम इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम इन टू द ब्लड एंड ओनली स्मॉल क्वांटिटी इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। तो जैसे अभी आपने ये यूरोनेफ्रो शायद नहीं पढ़ा है, रीनल सिस्टम वाला नहीं हुआ है, उसमें हम समझेंगे जब यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे। तो होता क्या है कि यूरिन फॉर्मेशन जो होता है वो होता है हमारे ब्लड से। किडनी में एक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन, उसमें ऊपर साइड से ब्लड आता है, ब्लड फ्लो होता है, उससे फिल्ट्रेट बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो देखो, वाइल पासिंग थ्रू द किडनी लार्ज क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाता है। जो फिल्ट्रेशन होने के बाद जो अमाउंट या वॉल्यूम बनता है उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। फ्रॉम द फिल्ट्रेट, जो फिल्टर होने के बाद फ्लूड है उसको बोला हमने फिल्ट्रेट। फ्रॉम द फिल्ट्रेट 98-99
ऑफ कैल्शियम इज रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इनटू द ब्लड, तो जो फिल्ट्रेट जनरेट हुआ उसमें कैल्शियम भी है और अन्य चीज़ें भी होती हैं, तो जो कैल्शियम फिल्ट्रेट हुआ उसमें से 99% और 98% कैल्शियम वापस उस फिल्ट्रेट से ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यानी ब्लड से पहले फिल्ट्रेट बना, उस फिल्ट्रेट में कैल्शियम भी है, उस फिल्ट्रेट से कैल्शियम को वापस 98-99% कैल्शियम को वापस रीअब्जॉर्ब करके फिर से ब्लड में ले आते हैं। फ्रॉम द फिल्ट्रेट 98-99% ऑफ कैल्शियम इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम इन टू द ब्लड एंड ओनली स्मॉल क्वान्टिटी इज एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। बहुत कम क्वान्टिटी यूरिन से एक्सक्रीट होती है। डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड लेवल कैल्शियम मे बी डिपॉजिट इन द बोन और रिमूव्ड फ्रॉम द बोन। ऑल दिस प्रोसेस आर फाइनली रेगुलेटेड बाय 3 हॉर्मोन्स। अब ब्लड में कैल्शियम लेवल कितना है उस पर निर्भर करता है कि कैल्शियम को बोन में डिपॉजिट करना है या बोन से रिजॉर्ब करना है या उससे निकालना है। अब ये क्या होता है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और ये जो प्रोसेस है ऑल दिस प्रोसेस आर फाइनली रेगुलेटेड बाय 3 हॉर्मोन, और ये जो पूरी प्रोसेस है इन प्रोसेस को 3 हॉर्मोन रेगुलेट करते हैं। पैराथॉर्मोन इट इज सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड एंड इट्स मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन रिजॉर्प्शन। आपके पास पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, जितना भी आपका खर्चा या आपका जो डेली का एक्सपेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट या उससे ज़्यादा पैसे आपके पास हैं तो आप क्या करेंगे, आप उसको बैंक में जमा कर देते हैं। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, पैसे कम होते हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस पैसे को बैंक से निकाल लेते हैं और यूज़ करते हैं। हमारी बॉडी में अगर हम कैल्शियम को लेकर बात करें, कैल्शियम क्या है, पैसा है, और जो बोन है वो बैंक है। हम जो भी फूड लेते हैं जितना भी उसमें कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड लेवल या ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको मेंटेन किया हुआ है और हमारे पास एक्स्ट्रा कैल्शियम है तो क्या होता है वो कैल्शियम बोन में डिपॉजिट हो जाता है। जब भी ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो उस कैल्शियम को बोन से ले लिया जाता है, निकाल लिया जाता है या उससे रिमूव कर लिया जाता है। वो कैल्शियम को बोन से निकालना, रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। अब समझिए, पैराथॉर्मोन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायराइड ग्लैंड, ये पैराथायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, इसका काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना, बढ़ाना, बाय मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन। यानी ये बोन से कैल्शियम रिमूव करके ब्लड में मिक्स करने का काम करता है तो ब्लड में कैल्शियम लेवल बना रहता है या बढ़ाता है। ये जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल कम हुआ तो ये बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में ला देगा बाय मोबिलाइजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोन रिजॉर्प्शन। सेकेंड हार्मोन है 1-5 डाइहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। इट इज़ अ स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज फ्रॉम विटामिन डी बाय इन लीवर एंड किडनी। अब कभी कभी आपने अगर देखा हो, ध्यान दिया हो, कुछ लोगों का खाना पीना अच्छा रहता है, अच्छे से खाते हैं, लेकिन मतलब कैल्शियम रिच डाइट भी ले रहे हैं, जो भी खाना खा रहे हैं उसमें कैल्शियम अच्छे से है, लेकिन फिर भी उनको कैल्शियम की कमी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी का अच्छा सोर्स क्या है? सनलाइट। तो सनलाइट से हमको विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे भी विटामिन डी हम ले सकते हैं। अगर विटामिन डी की कमी शरीर में है तो आप कितना भी कैल्शियम रिच डाइट लीजिए वो डाइट से कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। अगर विटामिन डी है तो ये डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल फॉर्म होगा, बनेगा, और ये हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में। इट इज़ अ स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम विटामिन डी बाय लीवर एंड किडनी। ये विटामिन डी की हेल्प से लीवर और किडनी में बनता है। इसका मेन काम क्या है? इट्स मेन एक्शन टू इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा
और जो भी कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होकर सबसे पहले ब्लड में ही जाएगा, तो ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने का काम करता है 1-5 डाईहाइड्रोक्सी कॉलेकैल्सिफेरॉल। थर्ड हार्मोन है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन को हमने देखा था थायराइड ग्लैंड में, यानी इसके पहले वाली जो क्लास थी उसमें देखा था। थायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन जो थर्ड हार्मोन है वो सीक्रेट होता है, लेकिन हमने उसको उस क्लास में समझा नहीं था, क्योंकि T3 T4 जो है इनका मेन काम मेटाबॉलिज्म का है। कैल्सिटोनिन का जो मेन काम है वो ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम है, इसलिए हम इसको पैराथायराइड ग्लैंड के साथ पढ़ रहे हैं। कैल्सिटोनिन इट इज़ सीक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड। इट इज़ अ कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन। थायराइड ग्लैंड की पैराफॉलिकुलर सेल्स से सीक्रेट होता है, और इसका काम क्या है, कैल्शियम को कम करना, यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का काम इसका रहता है। इट रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल मेनली बाय डिक्रीजिंग द बोन रिजॉर्प्शन। मेनली ये बोन पे एक्ट करता है, जो पैराथॉर्मोन का काम था। पैराथॉर्मोन का काम क्या था, बोन रिजॉर्प्शन करना, बोन से कैल्शियम लेके ब्लड में डालना, ताकि ब्लड में कैल्शियम लेवल बना रहे, ये उसी एक्टिविटी को कम करने का काम करता है। इट रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल मेनली डिक्रीजिंग बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन को कम करने का काम करता है। बोन रिजॉर्प्शन कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम नहीं आएगा, बोन से ब्लड में कैल्शियम नहीं आएगा। तो ब्लड कैल्शियम का रेगुलेशन कैसे होता है उसको हमने समझ लिया है। अब एक एक करके तीनों हार्मोन्स को समझ लेते हैं। पहला है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन या जिसको हम बोलते हैं PTH इज सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड की चीफ सेल से पैराथायराइड हार्मोन सीक्रेट होता है। एक्शन क्या है, द प्राइमरी एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इज टू मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल विद इन द क्रिटिकल रेंज ऑफ 9-11 mg/%। प्राइमरी एक्शन यानी मेन एक्शन क्या है पैराथॉर्मोन का, ब्लड कैल्शियम लेवल को 9-11 mg/% तक या इसकी रेंज में मेंटेन करके रखना। अगर 9 से कम होता है तो क्या होगा, पैराथॉर्मोन रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद ये बोन रिजॉर्प्शन, बोन से कैल्शियम रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देगा। द ब्लड कैल्शियम लेवल इज़ टू बी मेंटेन क्रिटिकली बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैनी ऑफ द एक्टिविटीज। बॉडी में बहुत सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल बना के रखना बहुत ज़रूरी है। पैराथॉर्मोन मेंटेन द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय फॉलोइंग एक्शन ऑन बोन, किडनी एंड GI ट्रैक्ट। पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है अलग अलग जगह पर एक्ट करके। कहाँ कहाँ पर, बोन में, किडनी में और GI ट्रैक्ट पे। तो वही बैंक वाला एग्जांपल दिमाग में लेके चलिएगा, बाय इंक्रीजिंग द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन। बोन यानी बैंक, कैल्शियम हो गया अमाउंट पैसा, रिजॉर्प्शन मतलब हो गया विड्रॉल यानी बैंक से अपना पैसा वापस लेना। बाय इंक्रीजिंग द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करना। बाय डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू द किडनी। अब जब भी हमें पैसे की कमी होती है तो हम दो काम करते हैं, एक तो कहीं से पैसा लेना शुरू करते हैं जहाँ से पैसा मिल सकता है, जैसे आपका बैंक है जहाँ पे भी आपने डिपॉजिट करके रखा है। दूसरा काम क्या करते हैं, हम अपने खर्चे कम करते हैं, अननेसेसरी जो भी खर्चे हैं उनको कम कर देते हैं, तो वो दूसरा काम यहाँ पर भी हो रहा है। बाय डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू द किडनी, किडनी से जो कैल्शियम एक्सक्रीट होता है उसको भी कम कर देते हैं। थर्ड क्या है, बाय इंक्रीजिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द GI ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जैसे एक जहाँ पे आपने पैसा डिपॉजिट किया था, एक बैंक दो बैंक, तो जहाँ जहाँ से पैसा आ सकता है वहाँ वहाँ से पैसा लेंगे, ठीक वैसे ही बोन से भी कैल्शियम ले रहे हैं, साथ ही साथ GI ट्रैक्ट से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमने बढ़ा दिया है। तो तीन तरीके से पैराथॉर्मोन काम करेगा, पहला क्या है कैल्शियम से बोन का रिजॉर्प्शन, दूसरा कैल्शियम का एक्सक्रीशन जो किडनी से हो रहा था उसको कम कर दिया, तीसरा GI ट्रैक्ट से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया। इन तीन तरीके से पैराथॉर्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। अब बात करते हैं पैराथॉर्मोन हार्मोन के सिक्रेशन का रेगुलेशन के बारे में, कि पैराथॉर्मोन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो रेगुलेट कैसे होता है, कितना सिक्रेट होना है या नहीं होना है, कम होना है ज़्यादा होना है। कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन इन द ब्लड इज द मेन फैक्टर रेगुलेटिंग द सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन। ब्लड में कैल्शियम आयन कितना है, मेन फैक्टर वही है कि पैराथॉर्मोन कितना सिक्रेट होगा। पैराथॉर्मोन सिक्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी कि ब्लड कैल्शियम लेवल अगर कम है तो
तो पैराथॉर्मोन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ेगा। ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा है तो पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन कम होगा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज इन ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज द पैराथॉर्मोन सिक्रेशन। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा तो पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि मेंटेन है, क्योंकि पैराथॉर्मोन अगर सिक्रेशन होगा तो ब्लड कैल्शियम को वो भी बढ़ाएगा, तो ओवर हो जाएगा। द कंडीशन इन विच द सिक्रेशन ऑफ पैराथॉर्मोन इज डिक्रीज आर लिस्टेड बिलो। तो ऐसी कंडीशन जिनमें पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन कम होगा वो क्या क्या है? एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन डाइट। अगर आप डाइट में कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं तो वहाँ से एब्जॉर्ब होगा, ब्लड कैल्शियम लेवल बना रहेगा। तो एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन डाइट, इंक्रीज्ड विटामिन डी इन द डाइट, डाइट में विटामिन डी ले रहे हैं, सनलाइट भी ले रहे हैं, और इंक्रीज्ड रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स कॉज्ड बाय सम अदर फैक्टर सच एज डिसीज ऑफ बोन। तो अब जो हमने बोन रिजॉर्प्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे पैराथॉर्मोन का काम क्या है, बोन रिजॉर्प्शन से कैल्शियम को मेंटेन करके रखना, यानी बोन से कैल्शियम निकालना लेना। कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ डिसीज होती हैं जिनमें बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाता है, जैसे एक ऑस्टियोपोरोसिस नाम से एक कंडीशन है, बीमारी होती है, उसमें बोन्स में पोर्स बनने लग जाते हैं, या समझ लीजिए बोन जो है वो छलनी होने लग जाती है, घुलने सी लग जाती है। तो उस कंडीशन में भी बोन से कैल्शियम रिलीज होके ब्लड में आता है। तो ये कंडीशन इंक्रीज्ड रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द बोन कॉज्ड बाय सम अदर फैक्टर, मतलब पैराथॉर्मोन का काम नहीं, ये जो रिजॉर्प्शन का काम है वो पैराथॉर्मोन नहीं कर रहा है, सम अदर फैक्टर, जैसे कि डिसीज ऑफ बोन, बोन की कोई डिसीज है उसमें रिजॉर्प्शन अगर बढ़ गया है, तो इन तीन कंडीशन में पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। क्या क्या है? अगर डाइट में आप कैल्शियम अच्छे से ले रहे हैं, विटामिन डी अच्छे से ले रहे हैं, और किसी बीमारी की वजह से बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, तो इन तीन कंडीशन में पैराथॉर्मोन का सिक्रीशन कम हो जाएगा। ऑन अदर हैंड डिक्रीज इन कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन ऑफ ब्लड इंक्रीज द पैराथॉर्मोन सिक्रेशन। तो ये तो कम होने का बात था कि पैराथॉर्मोन कम सिक्रेट होगा, कब कब किन किन कंडीशन में ज़्यादा या उसका सिक्रेशन बढ़ेगा कब? ऑन अदर हैंड द डिक्रीज इन कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन, अगर ब्लड में कैल्शियम आयन कंसेंट्रेशन कम हुआ, इंक्रीज पैराथॉर्मोन सिक्रेशन, तो उसकी वजह से पैराथॉर्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। सेकेंड था 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल, इट इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इट डज दिस बाई इंक्रीजिंग द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइनल एपिथीलियल सेल। इंटेस्टाइनल एपिथीलियल सेल, जहाँ से जो भी फूड स्टफ हमने खाया है, जो भी न्यूट्रेंट उसमें है, उन न्यूट्रेंट को एब्जॉर्ब करने का काम, उनके एब्जॉर्प्शन का काम होता है एपिथीलियल सेल में, इंटेस्टाइन की एपिथीलियल सेल में। तो वहाँ पर ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बढ़ा देता है। 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को बढ़ा देगा। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड है कैल्सिटोनिन, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराफेलिकुलर सेल सिचुएटेड अमंग द फॉलिकल्स इन थायराइड ग्लैंड। एक्शन क्या है कैल्सिटोनिन का? कैल्सिटोनिन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल अलोंग विद द पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन के साथ मिलकर ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने का काम करता है कैल्सिटोनिन। इट डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड देयर बाय काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन। अब दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ती है हमको, किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए दो फैक्टर होना चाहिए, एक बढ़ाने वाला एक कम करने वाला। पैराथॉर्मोन कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है, और कैल्सिटोनिन कम करने का काम करता है। तो एक जो नॉर्मल रेंज है 9 to 11, उसको ये मेंटेन करके रखते हैं दोनों साथ में मिलकर। इट डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड देयर बाय काउंटर एक्ट द एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन, यानी पैराथॉर्मोन का काउंटर एक्ट यानी उसके अगेंस्ट में काम करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करता है। कैल्सिटोनिन रिड्यूस द ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिंग ऑन बोन किडनी एंड इंटेस्टाइन। ये भी बोन किडनी इंटेस्टाइन पर एक्ट करके ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करेगा। ऑन बोन्स कैल्सिटोनिन फैसिलिटेट द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम ऑन बोन। जो हम बैंक में पैसा जमा करने वाली बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या होगा, कैल्सिटोनिन ब्लड में जो भी कैल्शियम है, एक्स्ट्रा कैल्शियम है, उसको बोन में डिपॉजिट करने का काम करता है।
इट ऑल्सो सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन. एक एक्टिविटी होती है ऑस्टियोक्लास्ट की जिसके थ्रू रिजॉर्प्शन होता है, यानी बोन से कैल्शियम को रिमूव किया जाता है. उस एक्टिविटी को भी ये सप्रेस कर देता है, कम कर देता है. तो बोन से कैल्शियम रिलीज नहीं होगा, लेकिन जो ब्लड में कैल्शियम है उसको हम बोन में डिपॉजिट कर देंगे. नेक्स्ट क्या है, किडनी पे कैसे काम करेगा ये कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू द यूरिन बाय इनहिबिटिंग द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स. रीनल टिब्यूल्स नेफ्रॉन का एक पार्ट होता है जहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा था. जैसे मैंने पिछली स्लाइड्स में देखा था, ग्लोमेरुल से फिल्ट्रेट बन रहा है, फिल्ट्रेट से 98-99% कैल्शियम को रीनल टिब्यूल से वापस एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले लिया जाता है. अब ये उसको रोकने का काम करेगा. ऑन किडनी कैल्सिटोनिन इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम थ्रू द यूरिन. ये कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देगा, यानी यूरिन के थ्रू कैल्शियम शरीर से बाहर निकलेगा, या जो बाहर निकलता है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी. बाय इनहिबिटिंग द रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स. तो ये कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता था उसको कम कर देगा, इनहिबिट कर देगा. दूसरा, इनहिबिट होगा तो यूरिन के थ्रू कैल्शियम एक्सक्रीट ज़्यादा होगा. ऑन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या था, या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यहाँ से कैल्शियम एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आ रहा था. इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड. यानी कि ये कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होना था फूड से और उस कैल्शियम को ब्लड में आना था, ये उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को भी रोक देगा, प्रिवेंट कर देगा. इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड. तो आज हमने पैराथायराइड ग्लैंड भी समझ ली है और साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड का जो कैल्सिटोनिन हार्मोन था जो हमने उस लास्ट क्लास में छोड़ दिया था उसको भी यहाँ पे समझ लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम थायमस, पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे. थैंक यू.